हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग एक फिश करी बनाते हैं। जो हम लोग बनाने वाले हैं तो रई या फिर झींगे से, और साथ में डालने वाले हैं कोकम। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम गर्मियों के लिए परफेक्ट। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तोरई या फिर झींगा ले लिया है, तो इसे पहले हम लोग एक पीलर की मदद से अच्छे से पील कर लेंगे। ये समर सीजन में बहुत ही अच्छा होता है खाना, क्योंकि ये इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, जो हम लोग को समर सीजन में हम लोग के बॉडी की पानी की जो कमी होती है वो पूरा करता है। तो इसे मैंने कट कर लिया है। तो आइए देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिया है। फिश है, तोरई है, हल्दी, नमक, और ये है कोकम जिसको मैंने भिगो के रखा। देखिए ये ब्लैक ब्लैक कलर का कोकम है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और इसे आप लोग को भिगो के रखना है कुक करने से पहले, बस ज़्यादा देर नहीं, बस 10 या 15 मिनट के लिए। आइए यहाँ पे फिश को मैरिनेट कर लेते हैं थोड़ा हल्दी और नमक से। बाकी हम लोग को कोई दूसरा मैरिनेशन यूज़ नहीं करना है। और इस डिश के लिए आप लोग कोई सा भी फिश यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोग के घर के पास अवेलेबल हो, आप लोग के जगह पे अवेलेबल होता है, वैसा ही फिश आप लोग को यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने फिश को फिर डाल दिया है तेल में। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में फिश कुक करने से उसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और हम लोग फिश को ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस दोनों तरफ से हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए और बस ये रेडी है फ्राई होके। इसे हम लोग निकाल लें। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच जैसा राई बचे हुए तेल में, और इसे ढक के मैं चटकने दूंगी, नहीं तो सारा गैस गंदा हो जाता है। आप लोग में से कौन कौन ये करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर डाल दिया है मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची और जाएगा हमारा तोरई। और देखिए तोरई भी मैंने डाल दिया। तोरई डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1/2 चम्मच। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हमें लो फ्लेम में ढक के इसे कुक करना है फॉर 5 मिनट्स। आप लोग ध्यान रखिए, इसे हमें पूरा कुक नहीं करना है, हाफ ही कुक करना है। तो देखिए 5 मिनट बाद ये आधा कुक हो चुका है और इसने सारा पानी भी छोड़ दिया है। तो हम लोग अभी गैस के फ्लेम को हाई में डाल के इसमें मैं डाल दूंगी 1 बॉइल्ड पोटैटो, जिसको हाथों से मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अभी हाई फ्लेम में इसे हमें 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। देखिए 5 मिनट बाद ये सुंदर से फ्राई हो चुका है, तेल भी छोड़ रहा है। तो इस स्टेज में जाएगा इसमें हमारा भिगोया हुआ कोकम। कोकम भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम खट्टा पसंद है तो कम डालिए। और फिर डाल दिया 1 ग्लास पानी और ऐड कर देंगे हमारा फ्राई किया हुआ फिश, और इसे अच्छे से उबलने देना है फिश जब तक कुक हो जाए। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। एकदम गर्मी के सीजन में ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी एक फिश की रेसिपी है। ये खाने से आप लोग को पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही अमेजिंग सा एक ट्रेडिशनल असमीज रेसिपी है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये असमीज रेसिपी।